नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये देख रहे थे सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजी का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सेल के हमने कई सारे ऑर्गेनेल्स देख लिए थे। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा गॉल्जी उपकरण, या जिसे हम गॉल्जी काय भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे गॉल्जी एपरेटस और गॉल्जी बॉडी कहते हैं। इसका जो नामकरण किया गया है गॉल्जी बॉडी, जिसकी खोज सबसे पहले कैमिलियो गॉल्जी ने की थी। 1906 में इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज मिली थी, और इसकी खोज डिस्कवरी कब की थी, 1898 में इसकी खोज की थी। तो कैमिलियो गॉल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी और 1906 में इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज मिला था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गॉल्जी एपरेटस नाम रखा गया। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, आरबीसी को छोड़कर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉल्जी एपरेटस कहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। ये स्टैंड जाल का बद रचना होती है, तरीके से ये स्टैंड ये ऐसी जाल के रूप में फैली हुई रचनाएं ये होती है। सर्वप्रथम ये चंद्रिका कोशिका में इनकी खोज की गई थी, जो ब्रेन में हमारे नर्व सेल्स उपस्थित होती है, उसमें सबसे पहले गॉल्जी एपरेटस की खोज की गई थी। जंतु कोशिका में ये असंबद्ध रूप से बिखरी रहती है, कुछ असंबद्ध रूप से जो बिखरी रहती है उन्हें हम कहते हैं डिस्कियोसोम कहते हैं। तो जो मतलब प्रॉपरली तरीके से नहीं बने होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जंतु कोशिका में होते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्कियोसोम हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी गॉल्जी काय में उपस्थित संरचनाएं हम देखें, तो ये तीन प्रकार की संरचनाएं होती है हमारी पत्ते कोष, जिसे कि हम इंग्लिश में स्टर्नल कहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये लंबे एवं चपटे कोष, इस तरीके से इसके रूप में ये होते हैं। तो चपटे कोष लंबे एवं चपटे कोष के रूप में होते हैं। इंग्लिश नाम जरूर आप इसका याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट गॉल्जी बॉडी का नहीं है, तो सिस्टर्नी ये आपके ऑप्शन में मिलेगा। तो सिस्टर्नी क्या है, गॉल्जी काय का आपका है, ये एक इसकी संरचना है। वेसिकल्स की यदि बात करें, आशय, आशय को हम इंग्लिश में कहते हैं वेसिकल्स, ये छोटी छोटी थैलियों के रूप में होते हैं, इस तरीके से छोटी छोटी, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो, छोटी छोटी थैलियों के रूप में होती हैं। रिक्तिकाएँ या पेक्ट्यूल्स, ये गोलाकार रिक्तिकाओं के रूप में होती हैं। तो पेक्ट्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये इस तरीके से ये जो संरचना बनी हुई है इस तरीके से इस रूप में ये उपस्थित होती है, ये गोलाकार रिक्तिकाओं के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट यदि हम गॉल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें, तो इनके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। गॉल्जी बॉडी के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम जिसे कि हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ये सेल वॉल के निर्माण में सहायक होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल उपस्थित होती है उसे उसके निर्माण में ये सहायक होती है। कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट के जो भी हमारे दीर्घ अणु हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह, इन सभी का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। सेल डिवीजन के समय ये सेल प्लेट का निर्माण करती है। जब एक कोशिका हमारी दो कोशिका में बनती है, तो बीच में इस प्रकार के सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का जो निर्माण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो आप ये इसके फंक्शन आप याद रखिएगा, लाइसोसोम का निर्माण करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का निर्माण करता है और सेल प्लेट का निर्माण करता है। तो आप देखिए तीन तो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो थ्री सी आप याद कर सकते हैं, सेल वॉल, कार्बोहाइड्रेट और सेल प्लेट, और एक आप थ्री सी एल इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये किसके हैं, गॉल्जी बॉडी के फंक्शन है। नेक्स्ट हम जो दूसरा ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं है हमारा लाइसोसोम। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में,
की लाइसेंस उनको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जिसे कि हम पाचक कहते हैं, लाइसेंस का मतलब होता है पाचक, का मतलब होता है बॉडी, जो पाचक बॉडी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें 24 टाइप्स के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न पदार्थों के पाचन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। डी ड्यूब, डी ड्यूब ने 1955 में इसकी खोज की थी। ये गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, इसमें पाचक रस भरे होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। ये एनिमल सेल में उपस्थित होती है लेकिन प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं। जब हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस पढ़ा था तो तब भी हमने यही देखा था कि ये एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। जल अपघटीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलाइज, नाइट्रोजेज, प्रोटीएज, ये इसमें उपस्थित होती है, अर्थात जो जल का अपघटन करते हैं वो H2O को किस में तोड़ रहे हैं, H2O और प्लस ऑक्सीजन इसमें आपसे तोड़ रहे हैं। तो ये एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रोजेज, प्रोटीएज, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, इसी लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम में